तो टीचर है तो जग है, ठीक है। और आपको एक आपके लिए छोटा सा सॉन्ग है हमारी तरफ से टीचर्स के लिए, अ सॉन्ग डेडिकेटेड टू यू ऑल। मुझे याद है, गहरा
से याद करें, कोशिश करें याद करने की। सबसे ज्यादा जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया, अभी भी जब भी मैं उसे याद करता हूँ, मेरा दुख, मेरे वो पल मुझे याद आ जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति। ओपन योर आइज। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, पहले में हमने क्या किया था, एक सुख का विचार क्रिएट किया और सुख की अनुभूति हुई। होता है सर, होता है सर, जब हम उस सुख वाले मोमेंट्स में जाते हैं तुरंत हमें सुख का अनुभव होता है, और दुख वाला मोमेंट जब याद करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपको लंबा टाइम प्रैक्टिस करवाते हैं ना, और लंबे थोड़े से और समय में, तो कभी कभी ऐसा होता है हमारी आंखों से टपक टपक आंसू भी गिरने लग जाते हैं। तो अभी जो हमने किया, ये क्या प्रैक्टिस थी, देखो सुख वाला दिन भी गया, सुख वाली सिचुएशंस भी गई। श्रीमान
घनश्याम नाथ जी का छावा, आप कुशल साहित्यकार साहित्य पुरस्कार से आप सम्मानित हो चुके हैं। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशक भी हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे स्वर्गीय क्षेत्र में ऐसे साहित्यकार हैं। मैं इनका मन से आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। इन्हीं के पास में विराजमान हैं श्रीमान पूनम चंद जी सारस्वत, जो सावासर संस्कृत विद्यालय में शिक्षक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। समय समय पर इनका मोटिवेशन हमें मिलता रहता है। ये हमारे गुरु हैं। जिस तरह इनके बारे में कुछ कहा जाए, इतना काम है, तो हम बहुत आभारी हैं सर आपके कि आपने समय निकाला और आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मंच के बाई ओर विराजमान हैं दीपक भास्कर। हमें प्राउड होता है जब हमारे विद्यालय के छात्र ऊंचाई को छूते हैं। इससे बड़े गौरव की बात और हमारे लिए क्या हो सकती है। तो दो छात्र आज सामने आपके विराजमान हैं, बधाई के पात्र हैं, हमें प्राउड है। धन्यवाद। हमारी भारतीय संस्कृति की एक परंपरा रही है अतिथि सम्मान। ये अतिथियों के आने अभिनंदन करें। धन्यवाद। इसी कार्यक्रम की इसी कड़ी में मैं
में हमारे बीच समय समय पर पधारने वाले, हमें समय समय पर मार्गदर्शन देने वाले सुजानगढ़ के बहुत बड़े साहित्यकार घनश्याम जी कछावा। इंटरनेशनल उच्च माध्यमिक विद्यालय ने इन पवित्र प्रांगण में शरणों के लिए आप सलाह शिक्षक ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की मोबाइल शुभकामनाओं और बधाई दूँ। मैं मंच माते विराजमान आज रे कार्यक्रम का सूत्रधार आदर जो नोबराम जी मंडा साहब, बड़ा भाई पूनंदन जी सरसों साहब, क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी पूनिया मैडम, आदरणीय मंजू जी, भाई दीपक जी, पत्रकार साथी भाई मनीष जी शर्मा साहब और आप सरदारों में आभार व्यक्त करूं कि आज जो इन दिन अठे बुलार राजू जी समेट हो तो आप आज वो दिन आप सदा वास्ते एक तो महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि जीवन रामायण जब आप उपलब्धियां अर्जित करी हाँ सारा शिक्षक आवे जब आपने प्राथमिक शिक्षा ले उस तरह ही पढ़ावे वे सरला शिक्षक आपनों व्यक्तित्व निर्माण करे और वो निर्माण आपने जीवन रे काम आवे। दुनिया में मायने ऐसा कोई व्यक्ति को नहीं जिसे जीवन रे मायने कोई शिक्षक नहीं आए हुए और भी उन्हें कोई प्रेरणा नहीं मिली हुए। आजकल यहाँ पर उन्हें मैडम फरमायो कि सुजानगढ़ क्षेत्र में मायने तो सुजानगढ़ क्षेत्र तो आपने देखा आजादी में पहली भी वो क्षेत्र पूरा देश मायने शिक्षा का केंद्र हो। हमारा गुरु और महाकवि कन्हैयालाल जी से किया कि धरती शू पाथर पीथर और धरती धुरा राजस्थानी भाषा और साहित्य रूप परचम भी सुजानगढ़ सुन रहे हो लाड़ा बहुत सारा वर्षा छू भाई लोभराव जी मंडा साहब शिक्षा ने सेवा तो करी भी है उनका सागर सागर का सम्मान करें। धैर्यशाली अनुभवी नीतू जी सोनी मैम, शिक्षक सम्मान की इसी कड़ी में मैं लून मैम से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर बता रहे हमारे पथ प्रदर्शक हमें इस प्लेटफॉर्म देने वाले मैं नवराम जी पंडा सर हमारे डायरेक्टर सर से निवेदन करूंगी प्रोग्राम में मैं संजय सर से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर बना रहे हैं। संजय जी जाकर सर निवेदन है मंच पर बना रहे शिक्षक दिवस की इसी कड़ी में मैं रेखा जी गुलेरिया मैम से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर बना रहे हैं। शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम अभिवादन। आज के कार्यक्रम में श्रीमान नोपराम जी संदे मुझे प्रातः आमंत्रित किया और पिछली बार भी बुलाया था, पिछली बार व्यस्तता के कारण मैं नहीं आ पाया और आज भी अभी विद्यालय से ही अभी सीधा ही इधर आया हूँ। मैं
सरकार तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे उम्र में छोटे और ज्ञान में छोटे व्यक्ति को इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर का। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए सभी विशिष्ट अतिथि आयोजित करते हैं, बच्चे भी अपने तरीके से आयोजित करते हैं। इस अवसर पर मैं जो शिक्षक की भूमिका है उसके विषय में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। सभी आप सुधी जने, विद्युत जने, मेरा ये कहना है कि जहाँ भी हम कार्य करते हैं, चाहे वो कोई निजी संस्थान हो या कोई राजकीय संस्थान हो, कार्य करते हैं और कार्य का जो पारिश्रमिक मिलता है वो एक अलग वस्तु है। इस बात को हमें बहुत गहराई से और हम इस जगह पर कार्य कर रहे हैं तो उस समय हमारे कार्य की जो गुणवत्ता है वो कभी भी उच्च कोटि की नहीं हो सकती। आप चाहे प्राइवेट में करो या सरकारी में करो, आपने अपने जो पारिश्रमिक कमाया है उसके बाद वहां क्या छोड़ा है ये सबसे महत्वपूर्ण है, और ये इतना महत्वपूर्ण है जिसकी कोई हद नहीं है। सर ने जैसा कि कहा कि मैं पोस्टवाल स्कूल में संचालन करता हूँ, जैसा कि लगभग सब जानते होंगे, आज 10वां वर्ष चल रहा है मेरे को। और जब मैं पोस्टवाल स्कूल में प्रवेश किया तो लगभग झुंझुनू से 150 किलोमीटर दूर यहाँ आया, तो मेरे अच्छे स्टूडेंट ऐसे जो हॉस्टल में पढ़ा करते थे झुंझुनू के शिक्षण संस्थान बाल भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक सम्मान समारोह में मंचस्थ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, इस विद्यालय के राष्ट्र निर्माता जो हैं, जो शिक्षकगण हैं, जो मेरे सामने एक सैलाब के रूप में बैठे हैं, और मीडिया के कर्मी बंधुओं, अन्य स्टाफ मेंबर्स, आप सभी को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार शिक्षक दिवस पर स्वयं के शिक्षक होने, वैसे कहते हैं कि जो अंत में बोलते हैं उनके पास बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है, आपको बहुत अच्छे बहुत ज्ञानवर्धक शब्द हमारे पूर्व विद्वान साथियों द्वारा, मैडम सुनीता द्वारा आपको बताएं। आज का जो शिक्षक दिवस है, शिक्षक